आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत जब समंदर का सीना चीर कर गुजरा तो चीन की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा होने लगी। यूएसएस बैरी नाम का ये गाइडेड मिसाइल डिस्चार्ज जैसे ही समुद्र में ताइवान के करीब से गुजरा तो चीन की हवा खराब हो गई। चीन और भारत के बीच तनातनी तो खैर चली रही थी, लेकिन अब इस यूएसएस बैरी को लेकर उसकी अमेरिका से भी ठन गई है। ताइवान के नजदीक समुद्री रास्ते से गुजरे अमेरिकी युद्धपोत ने चीन की त्योरियां बढ़ा दी है। गुस्से में आग बबला चीन ने अमेरिका को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ठहरा। उसने भी चीन के इस गुस्से को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका की रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है और वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। करने का मतलब यह कि अमेरिका ने भी इशारों इशारों में ड्रैगन से कह दिया है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, जो कर सको वो कर लो। दरअसल बीते बुधवार को जब खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बैरी ताइवान के जल डमरू मध्य से गुजरा तो चीन को ये बात काफी नागवार गुजरी। उसने एक बयान जारी कर अमेरिका पर अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अमेरिका को ताइवान के इर्द गिर्द ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। उधर अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोत का गुजरना प्रशांत महासागर में स्वतंत्र और बेरोक टोक आवाजाही के हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिकी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए आगे भी इस क्षेत्र में युद्धपोतों के नौवहन के अलावा विमानों की गश्त जारी रखेगी। चीन को शायद उम्मीद थी कि उसकी इस गीदड़ भक्ति पर अमेरिका घबरा जाएगा, माफी मांगने लगेगा, लेकिन अमेरिका ने जो जवाब दिया उससे चीन की फजीहत करा दी। अमेरिका के इस रुख से आग बबला चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत की पूरी यात्रा पर हमारी कड़ी नजर थी। हमने अमेरिका को आगाह किया है कि वह ऐसी बयानबाजी और कार्रवाई से बाज आए जो ताइवान जल डमरू मध्य में तनाव पैदा करती हो। गौरतलब है कि 1949 के गृह युद्ध में हार के बाद से ताइवान चीन से एक अलग हिस्से के तौर पर रहा है। ताइवान का अपना झंडा, करेंसी और सेना है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को संवेदनशील मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत तमाम हथियार देने का समझौता किया है। ताइवान को मिल रही इस अंतर्राष्ट्रीय मदद से चीन बुरी तरह खींचा हुआ है। वो ताइवान पर अपना दावा करता है, उसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता, जबकि ताइवान ने पहले ही साफ कर दिया कि उस पर चीन का कोई हक नहीं। ऐसे में इन दिनों न सिर्फ ताइवान के साथ चीन टकराव की हालत में है, बल्कि भारत और अमेरिका से भी उलझ रहा है। पिछले दिनों चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया को एक खत लिखकर ताइवान को अलग मुल्क के तौर पर संबोधित न करने की बिन मांगी सलाह दी थी, लेकिन इससे पहले भारतीय मीडिया इस पर कोई जवाब देता, खुद ताइवान ने कह दिया कि उसे पूरा यकीन है कि उसके भारतीय दोस्त चीन को दो टुक जवाब देंगे कि तुम भाड़ में जाओ। उधर व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वह ताइवान को MQ-9 ड्रोन और एक तटीय रक्षात्मक मिसाइल प्रणाली सहित परिष्कृत सैन्य उपकरण बेचना चाहता है, जबकि तसाई ने कहा है कि द्वीप अपने सैन्य आधुनिकीकरण और असममित युद्ध के लिए अपनी क्षमता में सुधार करना चाहता है।